तो ये विजयवाड़ा का जो हर्बा लाइफ सेंटर है एक, वहाँ पे ये डांस वर्कआउट चल रहा था, तो मैं वहाँ पे गई थी, सो आई जस्ट एंजॉयड वॉचिंग इट। हाय एवरीवन, सो अभी जस्ट ऐसे ही सोचा, कुछ नहीं था, एम ही बाहर निकले। मैं तो बिल्कुल बाहर जाने का सोच नहीं रही थी बिकॉज आई हैड सम वर्क। तो इन्होंने बोला कि खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी स्नैक्स वैक्स नहीं थे, ना बिस्किट्स थे, कुछ भी नहीं था। एंड आदित्य एंड अभिषेक पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए करके, एंड इंस्टेंटली मैं क्या बनाऊँ, बिकॉज एवरी टाइम थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए अवेलेबल हो तो दे सकते हैं, कभी कभी अपन बना सकते हैं। तो कल परसों भी मैं, परसों मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाया था, वो सारी चीज़ें बनाई थी। वो एवरी डे कुछ ना कुछ बनाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए पार्शली वीक में एक दो बार आप बना लो एंड बाकी जो है थोड़ा आप स्टॉक रख लो तो बेटर रहता है। तो मैंने बोला था कि आप लोग जाके आ जाओ, तो इन्होंने बोला कि आ जाना, अकेले क्या जाएंगे, एक आउटिंग जस्ट ऐसे ही बाहर जाके आना हो जाएगा करके। सो फिर ये जो मैं हमेशा से एक जैकेट टाइप का है वो पहनती हूँ, मैंने नाइटी के ऊपर भी ओवरकोट टाइप से पहन लिया। सो अभी क्या लेने वाले हैं, मेनली इनको, मेरे बच्चों को पसंद क्या है, ओरियो पसंद है एंड डार्क फैंटेसी पसंद है, एंड बाकी बिस्किट मतलब जबरदस्ती से खाते हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि खाओ करके, अदरवाइज ये दोनों के अलावा दूसरे कोई बिस्किट्स लेते नहीं है। सो जस्ट गोइंग टू चेक आउट कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और कुछ अगर बेटर चीज़ें मिलेगी तो ले लेंगे। सो दैट इज अ थिंग। अरे वाह, कितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं अमरूद है। कितने बड़े बड़े अमरूद थे। सो अमरूद का क्या है, मुझे अमरूद तो वैसे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं बीज के साथ खा लेती हूँ ना अमरूद, तो कभी कभी मुझे पेट में दर्द आता है, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुली खाती हूँ। पसंद तो बहुत है, लेकिन प्रोबेबली कोई कोई अमरूद के शायद बीज सूट नहीं होते होंगे अपन को, तो बड़े महीने हो गए, बिकॉज हमारा घर, हमारे घर में क्या है, दिसंबर से जो है फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम से ही हमारे लाइन वाइज हर मंथ हर किसी का बर्थडे एंड एनिवर्सरी हो जाती है, दिसंबर से लेके अप्रैल तक हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड अप्रैल के बाद फिर देर इज़ नो मतलब कोई ऐसा स्पेशल, हमारी शादी का दिन या एंगेजमेंट ऐसा कुछ आता नहीं है। सो उस वजह से मतलब एंगेजमेंट तो वैसे अक्टूबर में आती है, बट जो फुल फ्लेज वाला है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम के बाद मुझे याद ही नहीं है कि अप्रैल के बाद कभी केक वेक खाया होगा, तो बड़ी क्रेविंग सी हो रही है केक या पेस्ट्री खाने की। तो ये बोल रहे थे कल परसों मैंने कहीं बेकरी देखी थी, कहीं देखी थी, वो कहीं भी देखी हो, फिलहाल तो लेके चलो कि कैसे ही बाहर लेके आए हो मुझे अभी ज़बरदस्ती, एंड मैंने खाना तो है ही अभी, चाहे घर ले जाके खाओ चाहे यहाँ पे खाओ। सो जब क्रेविंग होती है तो खा लेना चाहिए, बिकॉज क्या होता है, जब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप डाइट में ये कैसे खा रहे हो या वो कैसे खा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ा लेते हो ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू योर वॉट एवर वेट लॉस जर्नी यू आर फॉलोइंग, उसको आगे स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको किसी की क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है, उस टाइम पर खा लो, नो वरीज, उसके बाद आप उसके हिसाब से अपनी कैलरी घटा लो, थोड़ा सा वर्कआउट करके कैलरी घटा लो, दैट इज द प्रोसीजर। बहुत लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी वेट लॉस कर रहा होता है, वेट लॉस का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि किसी ने ऐसे ही फॉलो करना है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है। सो इसीलिए इसमें क्वेश्चंस रेज करना कि आपने ये क्यों खाया, ये वो क्यों खाया, आपने इतना क्वांटिटी क्यों खाया, हर जगह जगह का फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से सबका वेट लॉस जर्नी अलग होता है। सो अगर आपको हेल्प लेनी है तो डेफिनेटली आप सजेशंस ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ कि मैंने इतना वेट लूज़ किया है अभी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज एंड मेरे काफ़ी जानकार फ्रेंड्स जो है उन लोग भी अभी वेट लॉस जर्नी में हैं, काफ़ी वेट लॉस उन्होंने किया है मेरी मदद के साथ, उनको कुछ भी डाउट आता है वो मुझे फ़ोन करते हैं एंड आई असिस्ट देम कम्प्लीटली। तो आपको भी कुछ भी डाउट आता है यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, सो दैट्स इट। तो चलो अब ये कहाँ ले जा रहे हैं, खिलाएंगे कि ऐसी क्रेविंग को और बढ़ाते जाएंगे। सो मैं तो अकेले बड़ी वाली सीट पे पीछे बैठी हूँ एंड ये एक सीट पे दोनों आके आगे इनके साइड में बैठे, क्योंकि किसी को भी एक को बोलो कि आगे बैठ जाए तो फिर मतलब वर्ल्ड वॉर हो जाता है यहाँ पे, कि मैंने आगे बैठना है, मैंने आगे बैठना है। सो अभी हम ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं कि कौन सी बेकरी मिले और वहाँ पर हम पहुँचे। एंड अभी अगर रोडों पे देखें तो ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है, लोग जो है नॉर्मली जैसे घूमते वैसे घूम रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्राउड में मास्क नहीं लगा रहे लेकिन बाइकों पे लगा के घूम रहे हैं, एंड यहाँ पे अच्छी खासी दीवारों पे चित्रकारी की हुई है कि भाई मास्क लगा के घूमो।
फाइनली हम लोग बेकरी में पहुंच चुके हैं। सो दिस इज़ बेकरी कम क्या बोलते हैं, स्मॉल सा कैफ़े टाइप का है, कैफ़े भी नहीं मतलब छोटी सी शॉप है जहाँ पे आप थोड़े बहुत समोसे या जो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा वो सब मिलता है। एंड उसके अलावा जो नमकीन वमकीन वो सारी चीज़ें मैक्सिमम कोई भी आपको मंचिंग के लिए चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाता है। सो केक इतने बढ़िया बढ़िया थे। तो मेरा तो हमेशा ब्लैक फॉरेस्ट फेवरेट रहता है। देखो क्या बोलते हैं एंग्री बर्ड्स के भी आपको छोटे छोटे केक्स मिल जाएंगे, बड़े क्यूट से लग रहे थे। उसके अलावा हॉट या स्वीट सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एंड ये एक हमने नमकीन ली थी और उसके अलावा स्वीट में कुछ लिया था क्या, स्वीट में कुछ नहीं लिया था। एंड यहाँ पे इस तरह से उसको सील कर रहे हैं। सो एंड केले के चिप्स भी लिए थे। तो यहाँ पे अभी जो है पहले जो दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी एरिया वो पहले एक्टिव नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ओनली ये वाले थे। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे साइड में जो है पिज़्ज़ा एंड छोटी मोटी चीज़ें जो KFC चिकन ये सारे होते हैं ना, मतलब KFC एग्जैक्टली नहीं उस टाइप का चिकन विकन वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पे आदित्य इट्स बीन लॉन्ग टाइम तो इज़ लाइक कि मम्मी पिज़्ज़ा खाना है। तो उसने एक बार बोला, मैंने बोला चलो इतना टाइम हो चुका है, टाइम मतलब प्रोबेबली 1-1.5 साल हो गया होगा। मैं पिज़्ज़ा नॉर्मली कभी बुक भी नहीं करती हूँ और बाहर जाते टाइम प्रेफर भी नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा। तो बट उसको जो है उसकी नाक बड़ी तेज़ है, उसको जो एंटर करते ही जो है पिज़्ज़ा की जब स्मेल आई वो रिक्वेस्ट करने लगा। तो मैं बोला चलो ठीक है ले लेते। तो एक पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया। तो यहाँ पे चीज़ वीज़ सब कुछ डाल के बना रहे हैं। तो मैंने बोला चलो वीडियो निकालते हैं, किसी को बनाना होगा तो जिसको ऑलरेडी आता भी है वो थोड़ी बहुत चीज़ें देख के ऐड कर सकता है। तो मैंने भी घर में जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस आता है ना उससे बहुत बारी पिज़्ज़ा बनाया है मेरा भाई, मतलब जब हम हैदराबाद में थे तो मेरा भाई जो है पिज़्ज़ा बेस लेके आता था क्योंकि उसको पसंद था और बोलता था या बना दे करके। तो मैं बनाती थी नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट वाज आल्सो वेरी रेयर। और उस टाइम पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था शायद पिछले साल की बात है वो। एंड उसके बाद शायद पिज़्ज़ा खाए नहीं, बाहर के तो कम खाए नहीं, घर में बनाया हुआ खाया था। सो दैट इज़ द थिंग। तो हमने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पहले सोचा कि हमने यहाँ खा लेते लेकिन लोग सारे बहुत नज़दीक में बैठे थे इसलिए वी डिसाइडेड कि चलो घर जाके ही खाएंगे। तो पहले हमने उसको पैकिंग के पर्पज़ से नहीं खाने के पर्पज़ से बुक किया था, फिर बाद में जो है हमने उसके लिए पैकिंग के लिए बोल दिया था कि वो पैक कर दे। तो मैंने सोचा जनरली पैक कर देगा तो भैया बोलते कि मैडम जी पैकिंग के फिर अलग से आपको फिर पेमेंट करनी है, तो फिर मेरे को पेमेंट के लिए फिर जाना पड़ेगा अभी काउंटर पे। सो पैकिंग क्योंकि जो बॉक्स रहते हैं उसका कॉस्ट भी रहता होगा तो उसके लिए फिर अलग पैकिंग है। सो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अभी साइड में सेल्फी हो रहा है, सेल्फी खेल रहे हैं ये लोग। एंड मैंने देखो ये कोट पहना है, मुझे काफ़ी पसंद है ये कोट, मैंने शीन से लिया था। अभी जब से बहुत सारे ऐप्स क्लोज हो गए हैं इंडिया में, ऐप्स जब क्लोज हुए हैं तो उसमें शीन भी एक है जो क्लोज हो चुका है, अदरवाइज़ उससे उधर से मैंने आपके साथ बहुत सारे कपड़े शेयर किए हुए हैं शीन के, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते थे। सो ये लोकेशन तो ठीक है कभी कभी आउटिंग के लिए एंड वंस इन अ वीक दिस इज़ काइंड ऑफ चीट मील। सो एक बार आप चीट मील ज़रूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमने जो है पहले तो मैंने सोचा था पेस्ट्री खाने का या कुछ, तो पेस्ट्री वेस्ट्री भी सब बड़े कॉस्टली होते हैं, तो आई वाज लाइक कि चलो केक ही ले लेते हैं। और यहाँ पे विजयवाड़ा में जितने भी केक्स हैं हर जगह के हमने केक्स ट्राई किए अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अलंकार में आए हैं, ये अलंकार होटल रेस्टोरेंट सब है और नीचे ये है, तो अभी यहाँ पे जो है काफ़ी टेस्टी मिलता है केक। तो कल हम लोग केक लेके आए थे, वो कट नहीं किया रात को क्योंकि खाना खाते खाते थोड़ा सा लेट हो गया था एंड सब कुछ चेंज कर चुके थे हम लोग आने के बाद तुरंत। तो हमने सोचा चलो अगले दिन करेंगे करके आज कट कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लगा रखा है, ऑल्दो कोई ओकेशन नहीं है तो मैंने इसके ऊपर जो हैव अ नाइस डे करके लिखवाया है। ये देखो बस, हाँ या अभिषेक का हैप्पी बर्थडे आप एडवांस में विश कर दो, ही इज फीलिंग दैट इट इज हिज बर्थडे। सो लेट्स कट इट। सो हमने जो फ्लेवर लिया है बटर स्कॉच का लिया है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली तो पेस्ट्री खाने का मन था लेकिन इन्हीं के पीसेस करके आते हैं वो, और एक एक पीस जो है 80-120 रुपीज का रहता है। मैंने बोला इससे अच्छा केक ही ले लेते हैं ना, बेटर ऑप्शन। सो बिना कोई ओकेशन होते हुए भी जब आप केक कट करते हो सबके चेहरे पे एक खुशी होती है एंड छोटी छोटी खुशियों में ज़िंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती है। तो कभी कभी ओकेशन ना भी हो ना तो भी सेलिब्रेट कर लो तो मज़ा आ जाता है।
एंड एक स्ट्रॉन्ग रीज़न अगले दिन केक कट करने का ये था कि हम लोग बड़ी खुशी खुशी से केक खाने के लिए गए थे वहाँ बेकरी में, बट कुछ सीरियस ऐसा हो गया कि हमारा जो है मूड ऑफ हो गया, स्पेशली मेरा, क्योंकि क्या हुआ था, आदित्य के हाथ में फ़ोन था, वो कोई ना कोई इनके, मेरा फ़ोन बच्चे टच नहीं करते बिकॉज मैं बोलती हूँ कि टच नहीं करना, मेरे को सारे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, तो कहीं गलती से कुछ डिलीट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी करके, लेकिन बच्चे जो है इनका फ़ोन ये डांटते नहीं है, कुछ नहीं करते एंड बोल तो इनका फ़ोन जो है बिंदास बच्चे लेके कुछ भी डाउनलोड करते रहते, इसलिए कुछ दिन पहले बहुत स्लो भी हो गया था, तो मैंने दोबारा पूरा जो है सब कुछ सेव करके पूरा फॉर्मेट किया था एंड फिर इनका जो है फ़ोन अच्छे से चलने लगा। तो पता नहीं आदित्य खेल रहा था, उसके जाने अनजाने में उससे क्या दबा क्या नहीं दबा, इनके कॉन्टैक्ट्स पूरे उड़ गए एंड तभी इनको किसी को कॉल करना था, इम्पॉर्टेंट कॉल आया तो ये नंबर ढूंढ रहे नहीं मिला, एंड इन्होंने नंबर क्यों नहीं दिख रहा, मैंने सोचा कहीं डिस्प्ले ऑप्शन शायद कुछ हाइड हुआ होगा, लेकिन जब मैंने फ़ोन लेके सर्च किया तो एक भी कॉन्टैक्ट्स नहीं, क्योंकि मैं गूगल में सेव करके रखती हूँ तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पूरे डिलीटेड दिखा रहा था, और मैं उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था, एंड कम से कम 3000 तक नंबर्स थे जो नहीं दिख रहे थे, ओनली 50 नंबर ही दिख रहे थे। आई वाज लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं टेंस हो गई कि एंड मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि मैंने जो फॉर्मेट किया था उसकी वजह से ये कहीं गायब हो गए, बट दैट वॉज नॉट द रीज़न। उसके बाद तुरंत मेरा मतलब दिमाग ऐसा हुआ कि अभी घर जाके कैसे ना कैसे सेट करना है, एंड ये बोल रहे थे कि अभी कैसे होगा इतने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स है करके बोल रहे, तो फिर मेरा पूरा मूड ही मतलब चेंज हो गया, अभी क्या करें कैसे करें करके, फिर घर जाने के बाद कम से कम आधा घंटा मैंने इतनी सारी जगह रिट्रीव करने की कोशिश करी एंड फाइनली भगवान की दया से कॉन्टैक्ट्स एक्चुअली पूरे ट्रैश में चले गए थे, इसने आदित्य ने कुछ प्रेस किया और वो सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए थे, गूगल से भी डिलीट हो गए, हर जगह से डिलीट हो गए थे वो। फिर मैंने ट्रैश में जाके भी चेक किया, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चला कि भाई ट्रैश में भी चेक कर सकते हैं, तो फिर तब ट्रैश में चेक किया तो वहाँ से पूरा रिट्रीव किया, तब जाके पूरे जब नंबर आए तब मुझे शांति मिली, एंड उस टाइम पे फिर बिल्कुल भी, क्योंकि आने के बाद आधा एक घंटा इसी में लग गया था, तो फिर मेरा केक कट करने का मन भी नहीं हुआ, लेट भी हो गया, एंड देन वी स्विच टू अनदर डे कि आज कट करते। सो दैट वॉज द स्टोरी, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, वैसे अपना शहर भी छोटा ही है।